हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं जिस तरह से कोरोना वायरस के महामारी के दौरान जो है पुलिस कर्मियों ने जिस तरह से काम किया है, खास तौर पर अगर हम बात करें महिला पुलिस कर्मियों को, तो जिस तरह से घर परिवार छोड़कर भी वो इस कोरोना के महामारी काल में भी वो अपनी ड्यूटी लगातार करती रही और कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा की रीदा रशीद जो है आज मुमरा पुलिस स्टेशन के जो तमाम महिला पुलिस कर्मी है उन्हें कहीं ना कहीं जो है आज सम्मानित किया गया, उन्हें सम्मान प्रमाण पत्र यहाँ पर दिया गया। हम बात करेंगे रीदा रशीद से, क्या कहेंगे आप, किस तरह से यहाँ पर महिला कांस्टेबल जो पुलिस कर्मी है उनको आज सम्मानित किया गया है। हमने आज मतलब पहली बार तो बहुत अच्छा लगा, मैंने हम लोग ने नव दुर्गा पुरस्कार हमने सभी बहनों को दिया आज जो पुलिस बहने हैं, इसलिए क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया और मर्दों के साथ में जुड़ जुड़ के काम इन्होंने किया। सबके घर है, सबकी फैमिली है, लेकिन फैमिली और बच्चों को जो रखे, समाज के लिए सेवा कर रही है और जो वर्दी का जो उन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है महिलाओं ने, तो उनका पुरस्कार किया है और बहुत अच्छा लगा। और पूरे महाराष्ट्र में हमने ये काम किया है, तो मैंने सोचा मुमरा क्यों रहा है, मुमरा की बहने क्यों छूट जाए, तो मुमरा में भी मैंने किया तो बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पर सम्मान पत्र दिया गया, कहीं ना कहीं आपने भी इसमें मेहनत किया है? हमारे से ज्यादा मेहनत जो हमारे पुलिस कर्मी है, महिला पुलिस कर्मी, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इसके लिए आज हमारे रीदा रशीद मैडम जी है, उनको सम्मानित किए है नव दुर्गा पुरस्कार से, तो इसी के लिए हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और हमारे जो भी महिलाएं हैं पुलिस कर्मी, उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब कार्य किए कोरोना काल में। तो यहाँ पर बात करेंगे हम जो मुमरा पुलिस स्टेशन की महिला पुलिस कर्मी है, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह से उन्होंने इस कोरोना महामारी में जो ड्यूटी की और कैसा लगा उन्हें आज सम्मान पत्र दिया गया, इसके बारे में उनसे भी बात करते हैं। मैडम, जिस तरह से आप लोगों ने कोरोना काल में जो काम किया है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है आप लोगों की सराहना हो रही है, और आज जो है बीजेपी की महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है रीदा रशीद, उन्होंने आप लोगों को सम्मानित भी किया, तो इस पर क्या कह लिया? उन्होंने सच में बहुत अच्छा है, लेडीज ऑफिसर, लेडीज जो स्टाफ है उनका अच्छे से सम्मान किया है। क्यों उन्होंने, एक हमने तो बाहर ड्यूटी के, लेकिन उन्होंने जो हमारा सम्मान किया है, कैसे तो भी अच्छा लगा कि चलो कोई किसी ने तो ध्यान दे दिया, लेकिन देते हैं सभी भी ध्यान, लेकिन ये जो सम्मान किया है वो बहुत ही अच्छा है, खाली लेडीज के लिए जो दिया है। आप जिस तरह से घर पे भी रहते हैं और कोरोना काल में भी जिस तरह से आपने ड्यूटी की है, तो इसमें आप लोगों की किस तरह से परेशानी आई सामने और उसके बावजूद भी आप लोग ड्यूटी करते रहे? उसके तो बहुत परेशानी आई, क्योंकि यहाँ के ड्यूटी टाइम करके जब घर में जाते हैं तो घर का बाकी का परिवार लोगों को संभालना पड़ता है, कि उनकी खबरदारी लेनी पड़ती है कि हम बाहर से आए हैं, घर में जाते वक्त तो हमें बहुत ही ख्याल करना पड़ता है कि हमारे कांटेक्ट में जल्दी घर वालों को कोई नहीं आए, तो ये तो खबरदारी लेनी पड़ती है हमें कि घर जाने के बाद जो भी है, जो कोरोना के वजह से जो लेते हैं वो तो हम सब कुछ कर रहे हैं, जैसे ही बाहर भी ड्यूटी करते समय हम अपनी खबरदारी लेते हैं और सामने वालों को भी हम वैसे करने के लिए बोल देते हैं, जो है कि मास्क पहना, सैनिटाइजर वगैरह जो है, जो कोरोना ना हो, खाली हमारी भी सेहत अच्छी रहे और सामने वाले की भी अच्छी रहे, इसी बात को हम बोल देते हैं सभी को कि अच्छा ख्याल रखो खुद का भी, सामने वाला के लिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से मुमरा पुलिस स्टेशन की जो महिला कांस्टेबल पुलिस अधिकारी हैं उन्हें कहीं ना कहीं जो है आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है, और जिस तरह से जो महिला पुलिस कर्मी हैं उन्होंने जो बताया कि किस तरह से इस कोरोना महामारी में उन्हें किस तरह से जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा, घर परिवार छोड़कर कहीं ना कहीं वो जो है अपनी ड्यूटी बाखूबी इस कोरोना महामारी में भी निभाती रही, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से उनका जो हक है सम्मान का, वो आज कहीं ना कहीं उन्हें सम्मान प्रमाण पत्र दिया गया। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।